नमस्कार आशा डॉट कॉम सभी का स्वागत है साक्षात्कार संख्या 460। आज हमारे साथ हैं कैसे देव जाएंगे, हम जगदीश प्रसाद जाएंगे गांव बगड़ी से हैं। तो टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं नियम एवं शर्तें पढ़ देता हूँ कि एक तो ये वीडियो आशा डॉट कॉम संपत्ति रहेगा, एक बार इस वीडियो को हम एडिट करके संशोधित करके अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पर, डिलीट नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। इसमें जो कुछ कहेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, इससे कोई व्यवसाय उपयोग हमारे लिखित अनुमति बगैर नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। हैं, आपके माता पिता का नाम? मेरे पिता का नाम ओंकारमल जांगिड़। माता जी का? लक्ष्मी देवी जांगिड़। लक्ष्मी देवी जांगिड़। ननियाल कौन सी जगह आपका? ननियाल दतुजला। दतुजला। हाँ, कोई सब एक हाँ। नाना नानी का नाम याद है? नहीं, नाना नानी का याद नहीं है। इधर दादा दादी जी याद है? हाँ, बताएं। दादाजी का नाम क्या? नाम नंदाराम जी। नंदाराम जी। नंदाराम जी जांगड़। दादी जी का माली देवी। माली देवी। तो शादी हुए कितने साल हो गए? शादी हुए 47 साल हो गए। ससुराल दोनों गए किसी गए? कौन सा गांव? पाटोदा। पाटोदा। धर्मपत्नी का नाम? मठोर इंदिरा देवी जांगड़। आपकी? ग्यारसी देवी। ग्यारसी देवी, ठीक है। अच्छा, संतान कितनी है? संतान चार, दो लड़के हैं, दो लड़कियां। नामकरण से? बड़ी लड़की का नाम कमलेश, छोटी का कौशल्या, और बड़े लड़के का नाम मनोज, छोटे लड़के का नाम दिनेश। आपके संतान? संतान तीन है। तीन है। नाम बताएं? दो लड़के हैं, एक लड़का। नाम? नाम बड़ी लड़के का नाम है बिमला दे, छोटे का सुशीला जी, और छोटा छोटा बच्चा है कुलदीप। कुलदीप, ठीक है। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने हाँ, मैंने बी ए। आपने? मैं तो पाँचवीं तक। पाँचवीं तक, ठीक है। छोटे भाई थे, बस हो गई छुट्टी जी। अच्छा, तो उसके बाद में कुछ पूछ लेते हैं, कुछ अभिरुचियाँ ना। भ्रमण किया है कहीं भारत भर में? घुमाई की है? कहाँ कहाँ? जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं ना लोग, आप? तीर्थ यात्रा नहीं की है। हाँ, भ्रमण वैसे यानी ठीक है, सारे घूमे हुए हैं, बाकी बचे हाँ हाँ वो नहीं है। तो काम अपना ये पूछते नहीं, खेती वाला ही करते हैं आप? नहीं, खेती वाला भी करते हैं, ये भी कारपेंटरी करते हैं। कारपेंटरी का काम। और आप? मेरा अकाउंट से काम है। अकाउंट से काम, मेरे खाते का ना। तो कब शुरुआत हुई आजीविका की? मतलब ये बही खाते वाला काम कब करने लगे? 69 से। 69 से। प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई? जयपुर में। जयपुर में, तो जयपुर में वहाँ कितने साल टिके आप? जयपुर में बहुत साल काम किया मैंने, कम से कम किया 30-35। 30-35 साल। और उसके बाद? नेपाल चले गए। नेपाल भी चला गया। नेपाल कितने साल रहे? नेपाल 13 साल। 13 साल, चलो अच्छा है। तो नेपाल में अपने हिंदुस्तान में क्या आपने समानता पाई है, कोई समानता देखी है? समानता ही है बहुत, एक भारत का टुकड़ा तो था पुराने समय में, था पुराने जमाने में, लेकिन वैसे एक नेपाल ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। नहीं, तो अपने हम भारतीयों को वो किस नज़रिए से देखते हैं? ठीक है, समानजनक भाव से कि भारतीयों को तो बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। अगर नेपाल में भारतीय नहीं हो, मारवाड़ी नहीं हो, तो वहाँ खाक बचेगी? अच्छा, कुछ नहीं। इतना नियंत्रण है ना कुछ नहीं बचेगा वहाँ। राणा का शासन था तब मारवाड़ियों को जाकर के बसाया था कि ताकि वो बिजनेस करें और नेपाल आगे बढ़े। आज बिजली भी भारत दे रहा है, तो पानी भी की सप्लाई है तो भारत दे रहा है नेपाल। खाने पीने की चीज़ें भारत से जाती है ना सब चीज़ें। नेपाल वो देश है, नेपाल ऐसा है गरीब जिस पर किसी की कोई नज़र नहीं है। और ये प्रश्न भी है कि ऐसा देश कौन सा है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, तो उसका उत्तर है नेपाल। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, न अंग्रेज़ों ने वहाँ शासन किया, न अंग्रेज़ों ने कोई कैप्चर किया ऐसे। अच्छा। और आज जो पनपरा है वो मारवाड़ी के बेटे पनपरा है। आपने कोई बाहर की यात्रा की विदेश की? विदेश सऊदी अरब गया था। कितने साल रुके? 15 साल रहा। 15 साल रहे हैं ना। कैसा लगा सऊदी अरब? सऊदी अरब में मजदूरी करनी है, वो कैसे भी करो, यहाँ करो चाहे वहाँ करो। हाँ, तो यही लकड़ी वाला काम था? हाँ, लकड़ी वाला। चलो अच्छा है। साहित्य में रुचि है आपकी? साहित्य में रुचि है? साहित्य में रुचि है, हर चीज़ में मेरी रुचि है। ठीक,
खेल में रुचि थी बचपन में? खेल में बहुत रुचि थी, फुटबॉल का चैंपियन, कबड्डी का चैंपियन, बास्केटबॉल का चैंपियन, वॉलीबॉल का चैंपियन। तो फिर गाना बजाने का है मेरे एजुकेशन पीरियड में, और संगीत का शौक। आपकी भी खेल में रुचि रही है? खेल में रुचि को नहीं मार, तो काम में ही रुचि रही। बस लकड़ी के काम में ही रही मार। ठीक ठीक। तो साहित्य में धार्मिक साहित्य पठन पाठन किया है ना? ठीक। अपने हिंदू धर्म में सृष्टि का प्रथम पुरुष किसे माना गया? मनु। मनु को, मनु से हुई है उत्पत्ति, पहला पुरुष सृष्टि का मनु, और उसकी पत्नी शत्रुपा है, जोड़ा था, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। लेकिन आजकल मनु शब्द पर काफी विवाद है। मनु कैसे? क्योंकि जो मनु संहिता है, मनु संहिता, आखिर ऐसी क्या बात लिखी है मनु संहिता में? ऐसी क्या बातें लिखी है मनु संहिता? मनु सूर्य का पुत्र भी था, मनु जी इक्ष्वाकु मनु, वो मनु नहीं, ये मनु सृष्टि का पहला पुरुष था, सिर्फ सृष्टि की रचना करने के लिए। ऐसा मनु के बताया मैंने आपको, दो लड़के हुए, बड़ा प्रियव्रत, छोटा उत्तानपाद, उत्तानपाद का ध्रुव भक्त हुआ, और तीन लड़कियां थी, बड़ी देवहूति, छोटी आकुति और प्रसूति। देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही थी, कर्दम ऋषि के वह कपिल मुनि जिसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, और 9 कन्याएं हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी थी रावण की दादी अहिर्भू, और उन्हीं कन्याओं में एक कन्या थी अनसुईया, जो महासती अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध है, वो अत्रि ऋषि को ब्याही थी। ऐसा अत्रि ऋषि के तीन संतानें हुई बाद में। ऐसा बड़ा था दत्तात्रेय, जो छठा अवतार था प्रभु का, और उसमें और नाथ पंथ उसी ने चलाया, ये नाथ पंथ है, ये दत्तात्रेय का चलाया हुआ है। और एक चंद्रमा, चंद्र ऋषि ब्रह्मा के, मतलब ये तीनों जब ऋषि उसका सतीत्व भंग करने के लिए गए थे, तब ये उनको बच्चा बना दिया था अनसुया ने, और फिर वरदान के रूप में मांगा था कि तीन पुत्र मेरे घर पैदा हों। तीन पुत्र, वो एक तो दत्तात्रेय विष्णु का अवतार है, जिसने तीन मुंह थे उसके, तीन सिर थे, जिसने नाथपंथ चलाया जी। और ब्रह्मा से चंद्रमा, चंद्र ऋषि, चंद्र ऋषि था नाम ऐश्वर्य, और शिव भगवान से, शंकर भगवान से ऐसे, और ये विश्वाम आपके क्या देखो, ये दुर्वासा, दुर्वासा जी, दुर्वासा मुनि, ये तीन हो गया। और ये संतान अब जो उत्पत्ति हुई, तो ये इन्हीं से सृष्टि आगे चली है, तो मनु पहला पुरुष माना जाता है। अच्छा, ईश्वर को कैसे भक्त प्रिय हैं? ईश्वर को किस तरह के भक्त अति प्रिय हैं? ईश्वर को भक्त वो प्रिय हैं जो बिगर आलोचना के, बिगर किसी लालसा के, और किसी के यानी वो किए, और सिर्फ दया भाव रखते हुए और उस पर लीन हो, वो भक्त प्रिय है। ईश्वर के निराकार स्वरूप की कुछ विवेचना कर सकते हैं? ईश्वर के निराकार स्वरूप के बारे में कुछ बता सकते? ईश्वर तो निराकार ही है जी, ईश्वर निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, उसका कोई आकार नहीं है। ये जो अपने साक्षात्कार देख रहे हैं, ये उसका प्रतिरूप है, कि कैसे कैसे अवतार लिए हैं, कैसे भगवान राम ने अवतार लिया है तो राम की फोटो आएगी, कृष्ण ने अवतार लिया है तो कृष्ण की फोटो आएगी, है ग्रीव आया है तो है ग्रीव की आएगी, और नरसिंह रूप धार करके जब यानी इसको हिरण्याकश को मारा था तो उसकी फोटो आएगी, ये उसके साकार रूप है। लेकिन हकीकत यह है कि वो निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है। अच्छा, हवन जो है उसका महत्व को रेखांकित कर सकते हैं? हवन का बताएं। हवन का ये महत्व है कि प्रदूषण हटता है और वातावरण सही होता है, तो घी हमेशा होमा जाता है जी। आयुष्मान, और हवन के उच्चारण से आयुष्मान ये पूरा वातावरण जो है शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। अपने वर्तमान जीवन में प्रारब्ध की भूमिका बता सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन को तय देती करती है, दिशा देती है प्रारब्ध? जो हमारे संचित कर्म जो होते हैं वो हमारे वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं?
हमारे जो प्रारब्ध है उनकी पोटली जो है, हाँ प्रारब्ध है, वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में? प्रारब्ध साथ चलता है। अच्छा अच्छा, सात जन्म तक, एक जन्म नहीं सात जन्म तक प्रारब्ध साथ चलता है। तो पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? यकीन करते हैं, बिल्कुल यकीन करते हैं। भीष्म पिता मैंने, क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था शांतनु का, कि बेटा तुम्हारी इच्छा मृत्यु है, जब तुम चाहोगे तब मरोगे। तो जब अर्जुन ने उसको बाणों के सया पे सुला दिया भीष्म पितामह को, तब सूर्य दक्षिण की तरफ था, यानी सर शीतकाल थी। तो वो प्रवचन देता है 6 महीने तक, और सब सुनने जाते हैं, क्या कौरव भी जाते हैं, पांडव भी जाते हैं, और कृष्ण जी भी जाते हैं। कृष्ण जी तो खुद अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी वो अपना सांसारिक कर्म निभा रहे थे। जब इस जन्म में आए हैं, पुरुष रूप में आए हैं, तो वो सब अपना कर्म निभा रहे थे, सुनने जाते थे। तो मैं बोलो, जब ये मैं वो उस भीष्म पिता मैंने कहा कि मैं जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तब मरूँगा 6 महीने बाद, क्योंकि 6 मृत्यु का वरदान था, गंगा पुत्र था यही गंगा। अच्छा, अब जब वो पूछता है कि कृष्णा मुझे मेरे 7 जन्म याद हैं और मैंने 7 जन्म में कोई पाप नहीं किया, क्योंकि भीष्म पितामह बड़ा धर्मात्मा था, ये पिछले जन्म में अभिषेक था, वर्मा का पार्षद था, ठीक है ना, और अभिषेक जब वर्मा की पुत्री गंगा वहाँ दरबार में आई तो उसका आंचल थोड़ा हट गया था, हवा से हट गया, तो अभिषेक की नज़र वहीं टिकी रही। और 8 और बैठे थे पार्षद, तो अब वर्मा की नज़र पड़ गई कि इसकी नज़र गंगा पे टिक गई है। तब वर्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ ऐसे, और वहाँ जाके शादी कर लो। तो अभिषेक हो गया शांतनु, और वो फिर बोला ये 8 का क्या होगा, तो 8 को बोले तुम अपने उधर से गर्भ से जन्म देके उद्धार करो। हाँ, वो रास्ते में जा रहे थे तो 8 वसों ने भी कहा हमें 8 वसों, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारा उद्धार तुम्हें इनके जन्म से होगा। वर्मा जी ने भेज दिया जी। अब गंगा की शादी हो गई, वो गंगा नदी के रूप में प्रवाहित हो गई, गंगा की शादी हो गई शांतनु से, उन्होंने एक को रखा। हाँ, गंगा की शादी हो गई शांतनु से। गंगा ने वर ले लिया कि मैं जो कहूँगी करूँगी, जो कहूँगी अब मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरे बीच में कोई अड़चन नहीं डालोगे, ठीक है। अब वो जो ही पुत्र होता तो उसको नदी में गंगा में बहा देती, अपने में समाहित कर देती। 7 पुत्रों को बहा दिया, 8वां था भीष्म पितामह, तो खुद ही धर्मात्मा था। अब सोच लीजिए आप। अच्छा, अब भीष्म पितामह पूछता है कि मेरे 7 जन्म याद हैं मुझे इसमें, और मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है, ऐसा कोई खोटा काम नहीं किया है, तो मुझे ये बाणों की सया क्यों मिली है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि 8वां जन्म मेरे को याद है जी। आपका आप 8वें जन्म में पीछे मतलब एक किसान के लड़के थे, खेत से आ रहे थे, हाथ के कंधे आपके कंधे पे जेली थी, जेली फोर्क अंग्रेजी में कहते हैं ना फोर्क, एक सर्प और अपना तपस्या में लीन और अपना रास्ते से चुपचाप जा रहा था, इसी से कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन आपने उसको जेली का वो जो कांटे हैं सींगे हैं उनमें उसको पुरो करके घुमा करके ऐसा फेंका कि वो कंटीली बाढ़ पे जा करके चिपक गए, और वो कंटीले जो कांटे थे वो उसके शरीर के आर पार हो गए, और वो 6 महीने तक सूख करके वहीं मरा, तड़प तड़प के मरा। तो इस पिता में आपको ये दंड है, दंड है। वो जिसको पता होता वही बता सकता है ना, सारे नहीं बता सकते। अच्छा, अपने यहाँ जो 84 लाख योनियाँ हैं, क्या लगता है आपको उनके बारे में? 84 लाख आदमियों की नहीं है, सारी है ना? सारी 84 लाख, इसमें आदमियों की 23 लाख है। 23 लाख, हाँ, बाकी पशुओं की है। 23 लाख आदमियों की? 23 लाख आदमियों की है। अच्छा, मतलब 23 लाख कैसे, जैसे कि 23 लाख तरह के आदमी होते हैं, या 23 लाख बार एक आदमी को पैदा होना पड़ता है, क्या है वो? जैसे ये है कि
इतनी योनियाँ हैं, तो जैसे मान लीजिए मानव रूप की इतनी दी हैं, जीव जंतु की इतनी दी हैं, ये इतनी इतनी हैं, ये आवंटित की हैं, बंटी हुई हैं, तो पशु पशु ही बनेगा। अच्छा, ये जो जब तक दान योग जो है, इनमें से जो आसान मार्ग कौन सा है? दान है, दान है ईश्वर प्राप्ति का। दान है, दान इसलिए कि किसी को भूखा, कि अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अच्छा। आए को खाना खिला दो और अपने हाथ का उत्तर दे दो, ऐसा क्योंकि वो सही तपस्या है। जी। तपस्या हर आदमी के बस की बात नहीं है, योग हर आदमी के बस की बात नहीं है, नहीं है। और कुछ सीखना पड़ता है इसमें, कुछ सीखना नहीं पड़ता है इसमें, हाथ से कुछ देना पड़ता है इससे सीखना नहीं पड़ता। इसमें समय की पाबंदी नहीं है, समय की पाबंदी, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अगर कोई याचक आता है तो उसको निराश मत करो, लेकिन पात्र को दे, कुपात्र को नहीं। सही बात, कि कुपात्र को दान भी दिया हुआ भी आपको कष्ट देगा, कि वो जाकर के उसका पता नहीं क्या दुरुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर दे। अच्छा, पूजा के नाम पर जो ये मतलब कि कुछ ज्यादा ही पाखंड करते हैं कई लोग पूजा के नाम पर, ये चढ़ाओ, यहाँ रखो, ये करो, वो करो, तो ये कहीं विधान में नहीं लिखा है। सादगी क्यों नहीं है अपने जन्म, ये कोई विधान नहीं लिखा, वो अपना अपना मानसपट होता है, वो उनका मानसपट है। कोई कैसे अर्जित करता है, कोई कैसे अर्जित करता है, कोई देखता है मैं और संचित करूँ, कोई देखता है मैं ज़्यादा संचित। अच्छा, इतने अपने धर्म ग्रंथ हैं, तो प्रमाण के तौर पर किस धर्म ग्रंथ को प्रस्तुत करना चाहेंगे आप? खाली वेद को, या फिर जैसे कि पुराणों को, संहिता को, या कोई गीता को? गीता, गीता जो है वो स्वयं कृष्ण भगवान से मुख से निकली हुई है। बाकी में तो हम वहम कर सकते हैं, नहीं वहम की बात नहीं है, गीता की बात अलग है। गीता है, भगवत गीता है, वो स्वयं कृष्ण भगवान ने जब यानी कुरुक्षेत्र में और अर्जुन को ज्ञान दिया है, अपना विराट रूप दिखाया है, तो बाकायदा उसके मुख से। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं है ये नर और नारायण का क्या चक्कर है, नर और नारायण पता है कहानी? नर और नारायण पहला अवतार था, नर यानी पहला प्रभु का अवतार था, 23 अवतार हो चुके हैं। अच्छा, 24वां अवतार है, आज से 426,000 वर्ष बाद दक्षिण भारत में ब्राह्मण के घर कल के रूप से होगा। सत्य बात है, सत्य बात है, 100% सत्य बात है। कलियुग की उम्र है 432,000, सत्ययुग की उम्र थी 17,00,000 और 28,000, ठीक है ना। और फिर त्रेता की उम्र हो गई 12,96,000, ठीक है ना। और द्वापर की रह गई फिर 8,64,000, और कलियुग की उम्र रह गई 432,000। आंकड़े आपको मुख जबानी याद है। अच्छा, थाला भाई जी यहाँ की बात बताऊ है, तो थोड़ी बनी थारे भी पल्ले पड़ेगी, थारे भी सभी हैं गोशाला में लगे रहा, तो ऐ तो पढ़ा लेके आए, तो मैं तो अनकोट आद में आसना मैं गया 432,000, जिसमें आज कलियुग को आए और ये पिछला जो आपका जन्माष्टमी गई है ये 5,265 जन्माष्टमी थी। सही है, आयुष्मान, तो इसमें से 5,265 निकाल दो। अच्छा, इसमें से भी कृष्ण जी 126 साल जिए हैं, वो निकाल दो भले ही, ये भी चलता है। अब मैं आपको पूछता हूँ छोटा सवाल, गुरु गुरु कैसा होना चाहिए, एक गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा चाहिए जी जी, ठीक है ना, बता कि जो मैं दी मैं पात, गुरु ऐसा कीजिए जो मन दी में पात, और लाली जा के भीतर माही है, और हरियल जा की जात। जी जी। गुरु सद्भाव रखने वाला और एक भाव रखने वाला, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने वाला, सद्भाव समभाव से पढ़ावे, वो गरीब है या अमीर है, या उसका खुद का बच्चा है या वो दूसरे का बच्चा है। अच्छा, द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये भेदभाव था, मतलब कि ये सामंती मानसिकता थी। लगता है आपको इस बात से सहमत था? ना, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये गुरु को तो हाँ गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, बात सही है, ये सत्य है। अच्छा, परशुराम जी जो हैं, इन्होंने अपनी माँ को मार दिया था, गला रेणुका को, क्यों मार दिया था वो मैं बताता हूँ। तो नहीं, एक मिनट चलिए, वो पिता की आज्ञा थी जो कुछ था, लेकिन एक
मातृ हत्या का तो आरोप लगा ना कि माँ की हत्या कर दी, ये तो ऐतिहासिक रहा ना, तो आपको लगता है कि उस आदेश का किसी और तरीके से पालन हो सकता था या विनती की जा सकती थी? विनती से जब तक नहीं मानने वाले नहीं थे, उचित रथ जब नहा रहा था तो रेणु का पानी भरने गई थी, तो रेणु का पानी भरने गई थी तो चित्ररथ को देखती रही वो, अच्छा अश्वन तो अलग ही किया कुछ नहीं है, लेकिन वो जब तक नहीं से छुपा नहीं रहा, इतनी देर कैसे लगाई, उसका मानसपट बदल गया। मानसपट बदलते ही और उन्होंने परशुराम, चार भाई थे ये पांच भाई थे, परशुराम जी और चार भाई और थे, श्याम राम और कुछ कुछ थे, इसका नाम राम था, ये तो बाद में जब प्रसाद धारण किया तब, यानी परशुराम हो गया थे, ठीक है ना। अब उसका मानसपट बदल गया कि जम तक नहीं, लेकिन वो चीज़ थी, ऋषि भृगु हुए, भृगु के चेवन हुए, चेवन के ऋचिक हुए, ऋचिक के जम तक नहीं हुए, ठीक है ना, मेरी बात सुनते जाइए। जम तक नहीं इतना तपोबली था जिसकी कोई हद नहीं थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। अब जमतग्नि का गुण अवगुण और तपोबल सब ये परशुराम जी जानते थे, तो अनुनय विनय से जमतग्नि मानने वाले नहीं थे, तो उन्होंने सीधा हुक्म दिया कि बेटा तेरी माँ का और ये दोष है। अब भाइयों ने विरोध किया तो बोले तो सब का सिर उड़ा दे, लेकिन परशुराम जी को ये मालूम था, परशुराम जी को ये मालूम था कि मैं अगर ये करूँगा तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं होगा, और पिता फिर मैं वर मांगूंगा तो वर भी मुझे। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए ये सजा देना कहाँ तक उचित है? उचित नहीं है, उचित नहीं है, ये मतलब शास्त्र में हाँ उचित नहीं है। अच्छा, ये उचित कहाँ तक है फिर, जब भृगु ने विष्णु के लात मारी? हाँ वही तो मैं बोलने वाला। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि यानी अक्षमा बड़ों को चाहिए, यानी क्षमा करते हैं ना तो बड़े का काम होता है क्षमा करने, चाहे कितना भी जघन्य अपराध कर दे, अगर उसे माफी मांग ली है तो उसका कर्तव्य है कि वो माफ। भगवान बुद्ध ने तो जीवन ही इसी आधार पर जिया है, आधार पर जिया है, तो क्षमा बराबर कोई यानी वो दया मतलब है नहीं वो जी, जी। अगर किसी को आज जीवन लगता है आपको कि वर्तमान समय में धर्म का लोप हो रहा है? ऐसा नहीं है, नहीं है धर्म का लोप नहीं हो रहा है इस वक्त। धर्म तो वो चीज़ है जो अगर पिछले युगों को देखें ना तो उससे ज़्यादा है, ज्यादा है धर्म, लोग धार्मिक ज्यादा हैं। जो पीछे के युद्ध और यानी पाप देखते हैं ना और ये कलुषित भावना देखते हैं ना, उनको देखते हुए धर्म ज्यादा इस वक्त है। आज भी मुझे देखिए बताइए, जब आप पूछ रहे हैं बता रहा हूँ कि 27 गांव के एक थाली में खा लेंगे। अच्छा सही है, अभी भी देखिए आप नोट करते जाइए, अगर नहीं है तो देखते जाइए, बाहर बाहर देख लीजिए, आइए देशनाओं से प्रेम है आयुष्मान, ये धीरे धीरे घटेगा, घटेगा तब जा करके 4,26,000 वर्ष के बाद यानी कल के अवतार होगा। हर युग में देखिए कलुषित भावना किस में नहीं थी बताइए। अंगिरा का लड़का था बृहस्पति, मुझे बताइए देखो, अंगिरा का लड़का था बृहस्पति और भृगु का लड़का था शुक्राचार्य, और चंद्र पे भी दाग लगा है, लगा है। अब शुक्राचार्य को भृगु ऋषि और अंगिरा के पास छोड़ देते हैं कि आपके गुरुकुल में पढ़ाइए, वहाँ अंगिरा जी क्या करते हैं ये देखा होगा आपने, यानी अपने बच्चे को जी तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और शुक्राचार्य जी को कभी लकड़ी कटवाते हैं, कभी लकड़ी जाते हैं जंगल में भेजना, जंगल में भेजते हैं है? और शुक्राचार्य था कि मेरा मेरे बच्चे को पद। अच्छा वेद माता गायत्री के बारे में बताइए कुछ, वेदों की माता बताइए नहीं गायत्री को, गायत्री है जैसे देवी है गायत्री, तो हाँ जैसे नवदुर्गा है, दुर्गा के तो 108 नाम हैं, ये आपने देखा ही होगा, और इसीलिए ही खासकर बात ये है कि माला में 108 मणियाँ होता है, दुर्गा के 108 नाम है, चलो उन्हीं में गायत्री है। अच्छा तो गोरखनाथ जी के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, हाँ बताएं। गोरखनाथ जी विष्णु भगवान बोले कि भाई मैं मेरा अवतार ले रहा हूँ ऋषि संप्रदाय चलाने के लिए, और ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया और शिव जी को आदेश दे दिया, शंकर भगवान गोरखनाथ जी बने धरती के पुत्र, गोरखनाथ जी धरती के पुत्र थे स्वयं यानी शंकर अवतार थे, और ब्रह्मा के अवतार हुए
ये ऋषि मुनि 88,000 बोला अपना ये फैलाओ। और खुद मच्छंद्र नाथ बने, मच्छंद्र नाथ पानी में अपना अंश फैला करके मच्छंद्र नाथ। तो मच्छंद्र नाथ ये गुरु इसके गोरखनाथ जी के गुरु थे। तो आजकल ये संत जो हैं वैसे क्यों नहीं लगते हमको, बार बार इनका लांछन लगता है, बार बार जो इनको ये जेलों में जाते हैं, वो प्रभाव क्यों नहीं है? वो वाद अपवाद चलता है उनमें आपस में, तो वाद अपवाद के चलते वो यानी खुद डावाडाउन हो जाते हैं, खुद ही यानी वो उसको यानी नहीं कर संतुलित नहीं कर पाते, संतुलित नहीं कर पाते थे उसको। अगर सहजता पे चले जाएं और यानी पॉइंट पे आ जाएं, असली पॉइंट पे आ जाएं, तो उनके भी समझ में आ जाएगी कि असली बात। अच्छा, वर्तमान जीवन में ये धर्म की महत्ता कितनी है, क्योंकि धर्म जो है वो अतिक्रमण करता है ना, अपने दैनिक जीवन में जो संचालन में जो बाधा उत्पन्न करने लग जाता है, फिर वो थोड़े से लोगों में कसमसाहट से होती है ना। जैसे कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिनकी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, कुछ हमारी चीज़ें दूसरों को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो धर्म जो है वो व्यक्तिगत रूप से मानने की चीज़ है ना, धर्म तो धर्म ही रहेगा। लेकिन धर्म को खुद आदमी पहचान नहीं पाता कि मैं धर्म कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इसमें कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है और आप उसको देख रहे हैं, आपने खटाक से और बिल्ली को उठा के चूहे को छुड़वा दिया। अब आपने धर्म किया कि पाप किया, आप उसका खुद ही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप लीजिए, मैं लीजिए, कोई भी XYZ उसका वो जजमेंट नहीं कर पाएगा। दोनों तरफ से सही है, लेकिन उसने असल में पाप किया क्योंकि उसका भोजन है, वो खाना छीन लिया। अगर किसी का खाना छीनना कितना बड़ा जघन्य अपराध है। आपने चला करके धर्म किया है, किसी की जान बचाई है, लेकिन सवाल जान नहीं है। जीव जीव से भोजनम अस्ति, जीव जीव का भोजन है। ये सृष्टि की रचना से पहले ही श्रृंखला में आया है कि ये बड़ा जीव छोटे जीव को खाएगा। ऋषि मुनि हैं, तपस्या करेंगे, आगे ये फल फ्रूट खाएंगे। तो पहले वर्तमान समय में आदमी की आयु जो घटती जा रही है ना, जैसे 50, 100 साल, 125 साल, 150 साल, अभी से 60-70 साल में बूढ़े होते हैं ऐसे, तो क्या कारण है? ये कारण है युगों के हिसाब से है। अच्छा, सत्ययुग में एवरेज एज यानी औसतन आयु 400 वर्ष हुआ करती थी, त्रेता में 300 रह गई, द्वापर में 200 रह गई और कलयुग में 100 रह गई। अब क्या है कि यानी 100 उम्र कलयुग की दी है, लेकिन 100 से ऊपर भी जीते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा एक डोकरी 112 साल की होकर मरी है, हमारे गांव में भी 105 साल की होकर मरी है। कम है ना? है कम है, थोड़ी कम नहीं है, यानी 100 है, मिनिमम 100 ही तो आंकी गई है कलयुग की उम्र आयुष्मान। अब रही बात है, कोई कम है, कोई 60 साल में मर जाता है, कोई 40 में मर जाता है, लेकिन वो औसत आयु तो है ही है, तो औसत आयु तो इतनी रहेगी। अब भाई कोई 20 साल का ही मर जाता है तो कोई 100 साल का मर जाता है, दोनों को जोड़ोगे तो 60 साल हो गई ना ऑटोमेटिक। 20 साल का मर गया, 20 + 100 = 120 / 2 60 हो गई, तो औसतन तो घटती जाती है ना आयुष्मान, लेकिन कलयुग की उम्र 100 साल आंकी गई है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि शरीर जो है वो रोगों से ज़्यादा ग्रसित रहने लगे हैं, है ना। सुनते हैं कि पहले वाले लोग ये खा जाते थे, ऐसा काम कर लेते थे, इतने पैदल चल जाते थे, लेकिन अब जो है वो संभव नहीं है। तो ये हमारे शरीर में इतने बदलाव इतनी तेज़ी से कैसे हैं? खान पान से इसमें सुधार हो सकता है? सुधार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे? आप लहसुन को पैदा करते हैं तो लहसुन के वो जो प्याज की पत्ते होते हैं वैसे लहसुन के भी पत्ते होते हैं, लहसुन के पत्ते और दही खाइए, कोई रोग प्राप्त नहीं होगा शरीर में। अच्छा अच्छा, आज भी ऋषि मुनि सैकड़ों साल जीवित हैं, बैठे हैं खकड़, लेकिन वो उसका सेवन करते हैं, अपने असल में उन चीज़ों का सेवन कर नहीं पाते और न परहेज रह सकते हैं। तो आप आगे मुनि बस राय हो। हाँ, अब यह बताओ कि थे ना जो थनकई है कि बोल चुपनिया, हाँ खाते काम जो थे करो हो, ये क्या हाल है, क्या चाल रही है काम?
काम तो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो काम 120 में करूं, कोई 100 में करूं, कोई 80 में करूं, या सगड़े थे। हाँ वो तो जहाँ मैं जहाँ पो सब जहाँ करते आग लो और के है हाँ। जब तो जी हाँ, पहले पुराने जमाने में मोटा मोटा काम था, अब नया बारीक काम आएगा, तो मैं भी सीखा ही टाइम गेल। हाँ टाइम गेल तो सीखा ही थोड़ा। हाँ तो थाला भाई जी स्कूल में गया, हाँ थाने पर गाजी गए हुए छा कड़े गेर गए ये थे थे थारी को चौकी लगी नहीं चौकी तो क्यों पड़ी लगी स्कूल तो सही चौकी लगा ही पर क्या कि घर की मान लो परिस्थिति के हिसाब से मान लो नहीं वो क्या की परिस्थिति है ना, खोटी नीत करगा नहीं जी खोटी नीत तो कर दिया हाँ बनवाने लगा मास्टर डरा दिया लगा मैंने खोटी नीत तो करी बने। हाँ मैं तो 15 साल का काम लग गया और 15 साल में यहाँ मान लो कि देश विदेश सगड़ा घूम लिया घूमया कोने काम ही करियो काम करियो। हाँ घुमाई चौकी कोने लगे सिर्फ 5 रुपया घर में आना चाहे कोई तीर्थ यात्रा सर पर गेड़ा हो गई थे तीर्थ यात्रा तो अठे ही कोई पूछ कर जी अले गंगा जी ललता जी पूछ कर जी वृंदावन है वो कोने वृंदावन तो आजकल हाँ बस तो बेड़ा है के थोड़े और दसमो कब लगे हो दसमो लग गया तो होगा 20-21 साल है। अच्छा तो कोई कोई गानों बजाने कोई आवे क्या ताने गाना भजन तो पहले आता बना भोल बाल का आपको आगन चाहे तो संगीत की होगा संगीत का मान पत्र है मेरे पास ठीक है। अच्छा नेपाल का मंगाऊंगा नहीं वो फोटो ले लेंगे उसकी कोई बात नहीं। तो कोई सुंदर सा सुंदर सी राग वाला कोई ऐसे थोड़ा सुनाया जाता है गा तो सकते हैं ना ऐसे नहीं सुनाया जाता कैसे सुनाया जाता कैसे सुनाएंगे क्यों ऐसे ही बगैर यानी साजबाज के क्या सुने बगैर साजबाज भी होता है जैसे किसी की ट्राई लेनी हो तो साजबाज की जरूरत नहीं है उसको बोल देंगे गा के सुना तो उसकी असली आवाज़ का तो उससे पता चलेगा ना तो उसको तो बगैर साजबाज के तो होता नहीं ना बोलिए तो ना तो कोई प्रार्थना ही गा दो कुछ तो कोई प्रार्थना ही गा दीजिए कोई भजन ही गा दीजिए गाना ना आता कोई छंद चौपाई कुछ हाँ सीधा सा कह दो सीधा सा अजय भजन भाव की तो सर उसे शौक है जी जी हमारा पिताजी आ गए भाई भी भजन का शौक है ना। अच्छा अच्छा भाई भी भजन खूब गाता अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा काली गठा के अंदर जिमदामिनी उजारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा। तो दो नाम आनी मेरो तो मेरो मेरो तो वही जाने नीचे तो ताली हाँ हाँ बता दिया मैंने ये बताती है हाँ और ये अरे ऐसा का सुनेड़ा है जो के आज का अनुभव बात बने। अच्छा एक बात बताओ हाँ वैसे सामान्य सवाल ही पूछ लूंगा ठीक है वर्तमान समय में भविष्य के प्रति आप असमान हैं। भविष्य के प्रति असमान मतलब कि लग रहा है कि ठीक ठाक चलेगा कुछ नहीं कि सब कुछ भ्रष्ट हो रहा है किसी को मालूम नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है नहीं मालूम हकीकत है ये भविष्य में क्या होगा क्या ना होगा सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं अंदाज लगाते हैं ये पंडित भी अंदाजे लगाते हैं अगर ये भविष्य का किसी को पता न हो मेरी बात सुनते जाइए तो यानी वो फिर मरे क्यों ऐसा नहीं है लेकिन भविष्य का किसी को पता नहीं होता किसी को इस वक्त क्या होने वाला है जन्म मरण और पर्ण ये प्रभु ने अपने हाथ में रखे हैं। संतत्व की क्या परिभाषा आपके नज़र में संतत्व की एक संत होने की हाँ क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं मतलब कि क्या क्या परिभाषा है संत होने की या एक संत कैसा होना चाहिए सरल शब्द में कहे तो वो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गही रहे थोती दे उड़ाए। अगर वो सार सार की चीज़ ग्रहण कर लेता है फालतू बातों पे ध्यान नहीं लगाता है और अपना इंद्रिय का सच्चा होता है। अच्छा कई लोग जो है वो धर्म ग्रंथ तो पढ़ लेते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ना उनको रटना उनकी चीज़ें बातें याद रखना लेकिन वो मनन नहीं कर पाते मतलब कि उनको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं जैसा लिखा होता है भाई गुस्सा मत की जैसा लिखा होता है कि भाई ठीक है
वाचालता रखिए, कम रखिए, ऐसा लिखा होता है, आतिथ्य सत्कार कीजिए, ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि बड़ों का सम्मान कीजिए, लिखा होता है दान कीजिए, तो वो चीज़ें उनके जीवन में देखने को नहीं मिलती हैं, बजाय जबकि वो सिर्फ मुख्य जबानी धर्म ग्रंथ ज़्यादा रहते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ने में और उसको सार्थकता में लेने में अंतर है। पढ़ते हैं कि दया भाव रखो, आयुष्मान आय का सम्मान करो, ये परिस्थितिवश उनको परिस्थितियाँ हैं वो भुला देती हैं, या ऐसी उलझन में वो पड़ जाता है कि ऐसा वो कर नहीं पाता। मन में होता है उसके दया भाव भी रखना चाहता है, अतिथि सत्कार भी करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, अच्छा। लेकिन परिस्थिति ऐसे साथ में गुजर जाती हैं तो वो कर नहीं पाता है। अभी आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु है 70 ईयर्स। आपकी? 60। मेरी होगी 64 होगी। 64 होगी ना, 60, ठीक है। गुरु और चेला, या गुरु शिष्य, इनके बीच संबंध कैसा हो, ठीक है, व्यवहार कैसा हो, कुछ बताएंगे? गुरु और शिष्य के बीच में संबंध बहुत ही पवित्र होना चाहिए, और शिष्य को भी बड़ा शांत स्वभाव का होना चाहिए, तो गुरु को भी वैसा ही बर्ताव उसके साथ करना चाहिए, जैसे एक बाप बेटे का होता है, या पति पत्नी का एक अपना होता है, तो गुरु शिष्य का ऐसा समन्वय होता है उनका आपस में तालमेल, कि वो किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर शिष्य गुरु की सेवा करेगा, तो गुरु किसी प्रकार के भेदभाव रखे हुए और उसका सम्मान मार्गदर्शन करेगा, शिक्षा देगा। अच्छा, धर्म ग्रंथ जो है इनको क्या होता है कि इनके अध्ययन में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो है आम आदमी जो है उतना प्रवीण नहीं है, एक चलन सा नहीं है कि हम लोग घर पे धर्म ग्रंथ रखें, ठीक है, बहुत से लोग क्या अधिकांश लोग नहीं रखते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो दो चार बातें काम की होती है, उनमें विश्वास रखते हैं, किसी का भला करना, किसी आयु को कुछ देना, है ना, अपनी तरफ से कुछ इसमें कर्म करते रहना, सब बातें सबको पता है, वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी वो धर्म ग्रंथ पढ़े, डेली पढ़े, लेकिन वो जीवन में उतारता नहीं है, उतारता नहीं है, सही बात है। कहते हैं कि राग का नाम कल्याण है, श्याम का नाम कल्याण है, और जिस घर में कल्याण हो उस घर का सदा कल्याण है। पुस्तक का नाम भी कल्याण है, कल्याण आती है पुस्तक, श्याम का नाम भी कल्याण है, राग का नाम भी कल्याण है, यानी जागरण शुरू होता है श्याम कल्याण से, जागरण शुरू करते हैं श्याम कल्याण से करते हैं, तो राग का नाम कल्याण है और श्याम का नाम कल्याण है, और जिस घर में कल्याण हो यानी कल्याण पुस्तक धार्मिक पुस्तक है, उस घर का सदा कल्याण। तो कहते हैं कि यानी पुस्तक पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, कोई अनपढ़ है कैसे पढ़ पाएगा, लेकिन वो फिर भी रामायण और गीता को अपने घर में रखता है सजो करके, और उसको नमन भी करता है, मन में दया धर्म होना चाहिए, बस बात है, उसको नमन भी करता है तो उसको यानी उतना ही फल मिलेगा जितना वो पढ़ने वाले को मिलेगा। ये बात सही है। कहते हैं कि पहले राम राम करता है उसको डेढ़ा फल मिलता है, अच्छा, ये सुना होगा आपने, मैं कहूँ भाई जी राम राम तो आप उसका, अच्छा, कहीं तो मुंह सुझा के निकल जाते हैं नजदीक से, वही तो मैं बता रहा हूँ कि बट बगल लिखेड़ी कौन वो उनका वो छोड़ राम को नाम ना लिखेड़वाना कौन है आवा कौन है, पहले लेने वाले को अपना राम राम बोला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो उसका प्रत्युत्तर दिया है, मैं कहूँगा भाई साहब राम राम, तो आपने उसका उत्तर आप जरूर दोगे राम 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 जी, और उसका आधा भी मेरे को ही मिलेगा। अच्छा, इसलिए मिलेगा कि राम राम पहले मैंने कहा है। कई आदमी ऐसे हैं, ऐसे पाए गए हैं पहले, तो किसी को पहले राम राम ही नहीं करने दी, कितना छुप करके देख लो, लेकिन पहले राम राम ही वो खुद ही करते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसा होता है। तो कहते हैं कि यानी सिर्फ पढ़ना ही सार्थक नहीं है, पढ़ना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसको मनन करना बड़ी चीज़। अच्छा, परिवारों में जो है वो थोड़ी शांति जो है वो कम रहती है, चाहे आर्थिक अभाव हो, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, है ना, चाहे वो काम करने की अकुशलता हो, ठीक है, चाहे बेरोजगारी हो, कई तत्व होते हैं, लेकिन या कुछ बड़ा बनने की चाह हो, या किसी दूसरों की होड़ हो, दूसरों जैसा बनने की चाह हो, कि इसके घर में ये चीज़ आ गई, टीवी आ गई तो हमारी भी आनी चाहिए, ऐसे, चाहे कर्ज लिया हुआ हो,
कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो घरों में शांति नहीं होती, झगड़ा होता आपस में ना, तो घर टूटते हैं। तो वो तो शांति तो मत ही बने हुए कर दो जाना। देखिए कि गरीबी है या कर्ज में आना है, लेकिन उस पे आदमी को डावाडोल नहीं होना चाहिए। डावाडोल पहली बात है, डावाडोल कभी आने कहते हैं वो, कोई डावाडोल कभी मत हो, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए हिम्मत है हार गया ना, वो हार गया। अच्छा, सिर्फ 2 लाइन में उत्तर देना है। कबीर जी को क्या समझते हैं आप? कबीर जी संत थे। संत थे। और कबीर जी ऐसे संत थे, आगे बोलिए 2 लाइन। कबीर जी देखिए हकीकत में संत थे, वो ऐसे कबीर थे। वो कबीर जी और ब्राह्मण का लड़का था। हाँ, नहीं वो तो कहानी तो हाँ पता कहानी है, है, बता हो कहानी ठीक है। पता है। नीरू और नीमा ने पाला हाँ था कहानी पता है। आज हाँ, मैंने और और कबाल उगली आदमी। हाँ ठीक है ना। लेकिन संत वो उनसे भी बड़ी उनकी पत्नी थी, उनसे भी हाँ, बड़ी उनकी पत्नी थी, कबीर से भी बड़ी। किसने जिन्होंने ऋषियों को खाना खिला दिया था? खाना कबीर जी खिलाया। जाके छुप गए थे, ऋषियों को न्योता दे करके कबीर जी जाके छुप गए थे। खाना खिलाया का नहीं था, लेकिन पत्नी ने खिला दिया। वो भक्त थी, वो ईश्वर की इतनी भक्त थी कि उन्होंने खाना खिला दिया। आए तो जय जयकार कर करते रहे, वाह कबीरा वाह कबीरा, क्या खाना खिलाया क्या खाना खिलाया। कबीर जी ने कहा कि मैं छुप के बैठा हूँ, खाना खिलाया ही नहीं। वो अंतर्ज्ञान उनसे हो गया। जी कबीर जी एक बार स्नान करने जा रहे थे, अश्विन तो कबीर जी स्नान करने जा रहे थे, तो बोले चंद्र चंद्र की किरण पड़ेगी इस वक्त इस टाइम पर, अश्विन तब बोले मैं स्नान उसमें करूँगा तो मेरा अंतर्ज्ञान बढ़ जाएगा। अब उधर एक पासी की लड़की थी, पासी नीच जाति होती है, तो इधर पासी बोलते अच्छा हैं अच्छा यूपी में, अश्विन वो बनी मान लो चाहे कैसे मान लो, वो नीच जाति की थी। उन्होंने कहा संत जी कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो स्नान करने जा रहा हूँ तालाब में। बोले आप इसी में स्नान कर लीजिए जिसमें ये सूर्य नहा रही थी, अपना यानी पानी पी रही थी। तो कबीर जी को घृणा हो गई, बोले मैं इसमें, बोले आप इसमें स्नान कर लीजिए कबीर जी, इसी में कर लीजिए आप, अच्छा रहेगा। वो टाइम है ना वो निकल चुका है, और इसी में कर लीजिए आप। वो संत जी है उसी में स्नान करते हैं, तो इतना अंतर्ज्ञान होता है इसकी कोई हद नहीं है। फिर कबीर जी उसी से शादी करते हैं कि जी इसको इतनी ज्ञान है इतना है, तो इसी से शादी करते हैं। तो कबीर जी उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि यानी संत हुए हैं और बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके प्रभु में एकदम लीन हो गए, लेकिन उनकी पत्नी आपके कहने से वो भी वो तेज थी। ते कहते कमाली उसे भी तेज थी, हाँ, आयुष में कमाली कमाली उसे उसे भी तेज तेज थी थी, सही कि है। जी जाए हैं कमाली तो उसे तेज। बोले जी बिगड़ा वंश कबीर का और हाँ जाया पूत कमाल। अरे हाँ आदि में कबीरा गया तो पूरी में कमाल है हाँ आयुष। वो तो तो चलिए, ये तो समय है, समय बाबा ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो लोग नहीं देखते ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। हाँ, ठान के इधर की चुपरिया हाँ को 2-4 वचन आशीर्वचन खोदा नहीं, समाज का नाम, परिवार का नाम है, कोई समाज का नाम परिवार का नाम, सद भाई परिवार में अपने सुख शांति रहे, है, राजी रो चौका बेटा काम। बु निरोग आ रहे हाँ हैं, हाँ कमाई में जय वह, जी हाँ हाँ और यानी बस्ती माता है अपने संत राजी राखे, क्यों संत सब लौटे गए राजी लौटे रखे, और गे गए हैं रिश्तेदारी में राजी रखे। सही बात है। तो चलो ये 2 भाई हैं, इनका साक्षात्कार लिया है। दोनों भाई हैं और एक ज्येष्ठ है एक कनिष्ठ है, साक्षात्कार लिया, कुछ नई बातें हमें पता चली। क्योंकि धर्म के बारे में आपको पता है जितना पूछें उतना ही कम है, और धर्म जो है इतना गूढ़ विषय है कि इसमें कोई अंत नहीं ऐसा हाँ उसमें। अंत तो है नहीं। तो चलिए हमें 2 बातें जो सुनने को मिली समझने को मिली बेहतर है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत 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 धन्यवाद।